हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो है लाहौरी फाइड स्पीक्स। ओके, ये वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस यूएसए, चूज वन कंट्री, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, लाहौरी फाइड स्पीक्स। तो अब पाकिस्तानी क्या चूज करते हैं, इंडिया या यूएसए, और क्यों चूज करते हैं वो तो ये वीडियो में पता चलेगा। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये नहीं कह सकते, मगर हम मेरी जेन के मुताबिक, मैं तो मुझे मेरी नज़रों में इतने, मैं गहराई तक कभी गया नहीं, मगर मैं तो ये कहूँगा इंडिया जो अमेरिका से बेहतर है। जी आपका मतलब क्या, आपका अमेरिका के सर? आपको पता है अमेरिका हमारे कभी सपोर्ट करता है, जरूर हमें देता है इमदाद, लेकिन उसके बदले सूद लेता है। अमेरिका हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है, हमारी कितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ होती है। वहाँ पर भी एक मुस्लिम सदर गुजरे हैं, ठीक है, जबकि आपके सामने इंडिया और पाकिस्तान में सबसे प्रेफर ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज साम अहमद फ्रॉम लाहौरी स्पीक्स। राइट नाउ हम लोग मौजूद हैं लिंक रोड पे, जहाँ पे हमारे पास एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है और जहाँ पे हम लोगों की राय जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। लोगों की राय जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, मिलते हैं वीडियो के आखिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद अब्रेजर शर। जिया भाई, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको अमेरिका या इंडिया में से किसी एक कंट्री को चूज करना पड़े, तो आप किस कंट्री को चूज करेंगे? दोनों को नहीं करेंगे भाई, मैं फिलहाल किसी को भी नहीं करूंगा, ना इंडिया को ना अमेरिका को। मैं डेफिनेटली इंडिया को, डेफिनेटली अमेरिका। अमेरिका को क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मजहबी आज़ादी है, इवन के हमारे नेबरहुड में बेशक वहाँ पे लातदार मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मजहबी आज़ादी आपके सामने है। इंडिया को करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा भरोसा शुरू से, हम पहले इकट्ठे थे, पाकिस्तान जब बना तो वो हमसाया भी है, और हम गेमें वगैरह भी, हम क्रिकेट वगैरह जो हम खेलते हैं, हम रल मिल के खेलते हैं, मगर हम दुश्मनियाँ भी हैं उनके साथ, मगर हमारा पड़ोसी है, उनके साथ हमारे अच्छे तलाका होने चाहिए। कि नाउ हमारी जो 90% इकोनॉमिक है वो बेस करती है उस पर अमेरिका पे, वो चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो गया या इंपोर्ट बिल्स हो गए या किसी किस्म का हमारा कोई भी, मतलब इंपोर्ट हमारी अमेरिका के साथ, अमेरिका के एक्सपोर्ट भी। जी तो एक तो रीज़न ये है, और एक हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैंने आपको बताया है कि इंडिया के साथ इस वजह से नहीं हम जा सकते, इस ये नहीं कि अब की बात कर रहा हूँ, अब मोदी की वजह से इंडिया। आप इंडिया को क्यों नहीं कह रहे? इंडिया को इस वजह से चूज़ नहीं कर रहा क्योंकि एक तो हमारा उनके जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है वो एक कश्मीर है, ठीक है, उसके अलावा जो कश्मीर में हो रहा है और उसके अलावा इंडिया में जो कि अब हो रहा है, वो राइट्स नहीं मिले मुसलमान को, राइट्स में जो मुसलमान उधर हैं उनको राइट्स नहीं मिले। और सबसे जो बड़ा फैक्टर ये है वो ये है कि इंडिया ने हमेशा ऑलवेज, हमें भी इंडिया से बेसिकली कोई मसला नहीं है, मगर ये मोदी की जो आज पार्टी के जुलम कर रहे हैं, और ये जो आपको पता है वो मस्जिद का उन्होंने निकाला हुआ जी, यहाँ पहले शिवलिंग था वो पहले कहने फुहारा था, हाँ बस वो किया जा रहा है, बस वो एक भैंस के आगे बीन हो जा रहे, उनको समझ नहीं आना, वो जो मोदी का जो जहन है ना उसने अपनी पार्टी का जहन वही किया हुआ है। अमेरिका के बारे में आप और चीज़ें क्या बता सकते हैं, किस लिहाज से कह रहे हैं? वहाँ पर भी एक मुस्लिम सदर गुजरे हैं, ठीक है, जबकि आपके सामने इंडिया और पाकिस्तान में सबसे प्रेफर ये चीज़ है कि अगर इस मुस्लिम पाकिस्तान में आए, बड़ी सीट पर कोई आएगा तो वो मुसलमान होना ज़रूरी है। अमेरिका में मुसलमान सदर गुजरे, इस वजह से मुझे प्रेफर करना पड़ता है कि वहाँ पर मुकम्मल आज़ादी है। तो आपको लगता है कि इंडिया वाले हमें वैसे राइट्स देंगे जैसे कि इंडिया ना अमेरिका के अंदर हमें नेशनलिटी दी जाती है? इंडिया में आज तक नेशनलिटी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ अदनान समी को मिली है, उसके अलावा किसी को नहीं मिली है। अमेरिका में तो लातदार लोगों को नेशनलिटीज दी हुई हैं। तो ये नहीं कह सकते, मगर हम मेरी जेन के मुताबिक, मैं तो मुझे मेरी नज़रों में इतने, मैं गहराई तक कभी गया नहीं, मगर मैं तो ये कहूँगा इंडिया जो अमेरिका से बेहतर है। जी आपका मतलब क्या, आपका अमेरिका के साथ? यार आपको पता है अमेरिका हमारे कभी सपोर्ट करता है, जरूर हमें देता है इमदाद, लेकिन उसके बदले सूद लेता है। अमेरिका हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है, हमारी कितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ होती हैं, हमारे लाखों काम उनके साथ चल रहे होते हैं।
लेकिन यार हम किसी के कैदी नहीं है ना, हम किसी के बंदिश में रहना चाहते हैं। अब ये जाहिर बात है, हम अमेरिका से दोस्ती की तो बंदिश है, हमारे विधायक हम उसके बंदिश में होते हैं, तो इसका मतलब कि मुल्क का एक एक नौजवान बंदिश में थे। मतलब क्या ही है इन पाकिस्तानियों का कहना, मतलब हमेशा इंडिया ही वाले लोग जो है वो पाकिस्तानियों को दबाते हैं, मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म करते हैं, इस वजह से वो इंडिया जाना प्रेफर नहीं करते या इंडिया को चूज भी करना पसंद नहीं करते। मतलब क्या है यार, व्हाट द हेल, भगवान इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, सीरियसली। मतलब इतू सभी सद्बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं है। एंड साथ ही एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, वो इनका जो भी वीडियो था, ये थोड़ा मुझे हॉचपॉच लगा, समझने में थोड़ा टाइम लगा, खूब कंसंट्रेशन के साथ मुझे वीडियो देखना पड़ेगा। और साथ ही वीडियो शूट कर, मतलब वो पार्ट करने के बाद मैंने वापस से उस वीडियो को प्ले किया, भाई बोला क्या क्या गया है, तो मैंने फिर फाइनली एक रिपोर्ट तैयार किया है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एंड इनफैक्ट अगर कोई पाकिस्तानी या मुस्लिम भाई बहन मेरे कोई भी अगर देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये चीज जरूर से है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भी है, मुझे नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, आई एम सो सॉरी, फराकुद्दीन अली, ये सारे ही प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। एम ए यूसुफ अली, आजिम प्रेमजी, यूसुफ अहमद, मिलियनियर इंटरप्रेनर रह चुके हैं, वो भी नेटवर्थ बिगर देन पाकिस्तानीज इकोनॉमी, मतलब आप समझ सकते हैं। एंड लिटरली बॉलीवुड एक्टर्स को ही ले लीजिए ना, जो इतने सारे हैं, चाहे वो दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, नवाजुद्दीन हो, यार रहमान हो, फरहान अख्तर, नजरुद्दीन शाह हो, मधुबाला, वहीदा रहमान, जीनत अमन, शबनम आजमी, मुमताज, नरगिस, फतिमा सनहा शेख, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं जो बॉलीवुड में एकदम ब्लॉकबस्टर रहे थे किसी टाइम पे, एंड अभी भी है ही, ऐसा नहीं है, एसआरके एंड सैफ अली खान हो गए, आमिर खान हो गए, सारे खान फैमिली वाले, ठीक है। और साथ ही और भी लोग हैं, मैं नाम ले रही हूँ, उमरान मलिक, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद, अवेज खान, इमरान, यूसुफ पठान, ये कौन है, मिलियनर्स हैं, आईपीएल क्रिकेटर्स हैं। तो कैसे आप सब कह सकते हैं कि मुस्लिम्स को हमारे इंडिया में दबाया जाता है, कोई नेशनलिटी नहीं मिलता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, माइनॉरिटीज के तौर पे ये किया जाता है। जरा आप बताइए, इतने सारे मैंने मुसलमान भाई बहनों का नाम ले लिया, लेकिन आपके वहां पे कोई है ऐसा कि इंडियंस को किसी चीज का दर्जा मिला हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, या कोई भी फील्ड में हो, लेकिन इंडियंस का नाम कभी नहीं आता है पाकिस्तानियों के तौर पे, क्योंकि रह ही कितना गया है पाकिस्तान में पॉपुलेशन यार इंडिया का, कहां इतनी सारी 16 to 17% थे वहां पे, एंड अभी मुश्किल से 2-4% ही बच गए हैं इंडियंस वहां पे, और तो कोई है नहीं हिंदू भाई बहन वहां पे, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानी है तो क्या हो गया, हिंदू तो होंगे ना वहां पे, तो हिंदू तो कोई है ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंस मिलता है और कितना नहीं मिलता है, और कितना वैल्यू दिया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन वही चीज है कि आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड बगल में पार भी हो रहा होगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीरियसली ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड गाइज, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो जरूर से कमेंट करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।